जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, आज आम जिके इंपोर्टेंट क्वालिटी क्वेश्चन डिस्कसन करवा। चलो डेरी न कर क्लास को स्टार्ट करवा। हुआ इज द फास्ट गवर्नर इन इंडिया? आनी बेसंत, मीरा कुमारी, सुचिता कृपाणी, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। एर आंसर है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू कौन से कौन से जाइए ना 1947 रु 1949। नेक्स्ट देख कौन क्वेश्चन देखिए, हु सैक्रिफाइज हिज लाइफ इन 1857 रिवोल्ट, मैंने 1857 विद्रोह किए लाइफ को कौन सैक्रिफाइस करते जीवनदान देते, मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर, राणी लक्ष्मीबाई ना नन अफ द अबव। तो यार आंसर है मंगल पांडे। ओके मन रखि था, मंगल पांडे जो फ्रेंड थे कौन था ना विलियम गॉट, विलियम गॉडन, जी की फॉरेन फ्रेंड थे हेल्प करते 1857 रिवॉल्ट रे हेल्प करते। नेक्स्ट देखो, द फास्ट फीमेल इंडियन हु समिटेड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, अर्पणा कुमारी, अंशुलमणि, संतोष यादव ना सुलोचना राठी। तो यार आंसर है संतोष यादव। नेक्स्ट देखो, हु फाउंडेड ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज किए स्थापन करते, स्वामी दयानंद सरस्वती, मदन मोहन मालव्य, राजा राममोहन राय ना स्वामी विवेकानंद। यार आंसर है राजा राममोहन राय। अच्छा मन रखता ये जो राजा टाइटलटा किए देते ना किंग ऑफ खेतड़ी बुझल। नेक्स्ट देख कौन क्वेश्चन देखिए, हु सेड बैक टू वेदास, मैंने वेद वेद लट किनारा किए देते, स्वामी दयानंद सरस्वती ना मदन मोहन मालव्य ना राजा राममोहन राय ना स्वामी विवेकानंद। देख ये क्वेश्चन टाइम का प्रिवियस नेक्स्ट प्रिवियस क्लास में आपको डिस्कशन करी, यार आंसर कौन हो ना ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी के स्वामी दयानंद सरस्वती का रिलेटेड मन रखि था आर्य समाज के स्थापन होता ना 1875 मसीह कौटी ना कोलकाता। किसी बुक ना कह बुक कौन ना सत्यार्थ सत्यार्थ प्रकाश आ कौन ना वेदभाष्यम ओके। नेक्स्ट देखो कौन क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रियल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती पूरा नाम कौन थिला, रियल नेम कौन थिला, करुण शंकर ना आजाधर ना विद्याधर ना मूल शंकर। यार आंसर है मूल शंकर बुझेगा। नेक्स्ट देखो, व्हेन वास्को डा गामा केम टू इंडिया, वास्को डा गामा केबे इंडिया को आसते, तो आंसर है 1398 ना 1498 ना 1526 ना 1600। देख ये आगे ऑप्शन एलिमिनेशन कर, 1526 कौन होता फास्ट बाबर आसला इंडिया को, आलशे कौन होता षोलशे कौन होता मन पका कौन होता ना जहांगीर टाइम रे ना कैप्टन हॉकिंस फर्स्ट टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया को एंटर कर थिला, किया थिला ना कैप्टन हॉकिंस, ताल ये भी हो पारोनी तर आंसर कौन हो ना 1498 बुझेगा। अच्छा वास्को डा गामा जिते इंडिया को आसला ता सहित से कौन कौन धरिक आसा कह व्हाइट पेपर धरिक आसला आ कौन आनीला ब्लैक पेपर आ कौन आनीला टमाटो मन रखि था टमाटो पोटाटो आउ टोबाको 1498 मसीह पूर्व आम इंडिया रे एक्जिस्ट ही नहीं कर नथला बुझेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कौन देखिए, व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी केम इन इंडिया, देखो एटा भी मुझे सांगे सांगे आप क्वेश्चन डिस्कसन करी, तो यार आंसर कौन हो 1600 का टाइम रे ना जहांगीर टाइम रे, जिते बड़े जहांगीर आम भारत राजा थे किए आसला प्रस्ताव धरिकी ना कैप्टन हॉकिंस बुझेगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन कौन दे, गुरु नानक देव बर्न इन व्हिच प्लेस, अच्छा गुरु नानक गुरु नानक देव को गुरु थे फास्ट गुरु हाँ कि नहीं पचार जन्मग्रहण करते, ऑप्शन ए कौन दे करतारपुर,
पाटलिपुत्र ना नानकना साहिब ना लुम्बिनी। तो यार आंसर है जीवो नानकना साहिब। ये कौन मन रखी था नानकना साहिब से कौन बर्ण जन्मग्रहण करते आउ कर्तापुर डेथ बुझेगा। नेक्स्ट देख क्वेश्चन हु हाज गिवेन द कनसेप्ट अफ खालसा। खालसार कनसेप्ट किए देते गुरु अंगद देव गुरु नानक देव ना गुरु रामदास ना गुरु गोविंद सिंह। तो यार आंसर है जीवो गुरु गोविंद सिंह। मु फर्स्ट क्लास रे आपन को कहिथिली गुरु गोविंद सिंह सिक्कर केते नंबर गुरु ना 10th गुरु। आउ ए लास्ट मध्य ठीक लास्ट गुरु। कोठी जन्म ग्रहण करथिले कोठी ना पाटलिपुत्र बुझिलो। अच्छा आप मैंने पचारे खालसा खालसार मतलब कौन देख खालसा है पांचटा के अर्थ देख प्रथम के अर्थ है मानने शिख मान केश थे दरकार चुट्टी तापर कृपाण कृपाण ररकार देन कड़ा कड़ा तो जानते कड़ा तापर चार नंबर के अर्थ कौन ना कंगी। नेक्स्ट कौन कच्छा कच्छा पिंधा दरकार बुझेगा। खालसार मतलब बुझेल केस किपान कड़ा कंगी कच्छा। कौटी जन्मग्रहण करते पाटलिपुत्र ये ले लास्ट गुरु आउ खालसा कनसेप्ट किए देते ना गुरु गोविंद सिंह। अकबर वाज इम्प्रेस्ड बाय हुई सिख गुरु। अकबर क्यों सिख गुरु को उपरे खुशी थे बा इम्प्रेस होते तो ऑप्शन कौन अच्छी हर राय गुरु अर्जन देव गुरु रामदास गुरु गोविंद सिंह। तो यार आंसर है जीव ऑप्शन सी गुरु रामदास बुझीगला। मन रखी था यांको टेन्योर रे गुरु रामदास रामदास को टाइम रे गोल्डन टेम्पल तैयार होता गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल कौटी अच्छी अमृतसर। ओके अच्छा मुझे देखो बारंबार शिख गुरु उपर पढ़ू तो से आपको दस दस दसटा गुरु दस जन गुरु नाम कहीदे ऑप्शन ए फास्ट कौन कही फास्ट गुरु किए गुरु नानक देव। सेकेंड गुरु किए गुरु अंगद देव। थर्ड गुरु किए थे गुरु अमर दास। फोर्थ गुरु किए गुरु रामदास। कत नंबर गुरु फोर्थ गुरु बुझेगा गुरु किए गुरु अर्जन देव। सिक्स के गुरु और गोविंद सॉरी सेवेंथ गुरु किए गुरु हर राय। एट्थ के गुरु हरकिशन। तापर नाइन्थ गुरु किए मन रखी था नाइन्थ गुरु किए गुरु तेग बहादुर। टेन्थ गुरु किए ना गुरु गोविंद सिंह। ओके बुझेगा। देख यही समस्त दस जन गुरु नाम भलि मन रखी दिंतु ये मोस्ट इंपोर्टां। लास्ट गुरु किए गुरु गोविंद सिंह। फास्ट गुरु किए गुरु नानक देव। सेकेंड किए गुरु अंगद देव गुरु राम अमरदास। फोर्थ के गुरु रामदास गुरु अर्जन देव गुरु हरगोविंद गुरु हर राय गुरु हरकिशन गुरु तेग बहादुर गुरु गोविंद सिंह बुझेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हु इज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। आयरन मैन क्या कहते लौह पुरुष क्या कहते महात्मा गांधी को ना सर्दार वल्लभ भाई पटेल को ना बाल गंगाधर तिलक ना लाला लाजपत राय। तो यार आंसर कौन हो सर्दार वल्लभ भाई पटेल को कौन कहला आयरन मैन ऑफ इंडिया बुझीगला। अच्छा महात्मा गांधी को कौन कह जाए फादर ऑफ नेशन जातिर पिता बोली कह जाए। अच्छा नेक्स्ट देख विजय घाट इन दिल्ली एसोसिएटेड विथ हुम मानते विजयघाट कौन विजयघाट है कौन कहल समाधिस्थल गोटे विजयघाट क्या बुझाऊँ ना गोटे समाधिस्थल बुझाऊँ
ହେଲା ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ନା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କର ନା ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର ତ ନୁହେଁ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ସମାଧିସ୍ଥଳକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ କ୍ଷେତ୍ରଭୂମି ବୁଝିହେଲା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ ନା ଶାନ୍ତିବନ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର କ'ଣ ନା ରାଜଘାଟ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କ'ଣ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ବିଜୟଘାଟ ବୁଝିହେଲା ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଜେପି ସାଣ୍ଡର ୱାଜ କିଲ୍ଡ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ସିଟି ଲାହୋର ଆହ୍ଲାବାଦ ବମ୍ବେ ନା ଅମୃତସର ତେବେ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଲାହୋର ଓକେ ହୁ ରୋଟ୍ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ମେଗାସ୍ତିନିସ୍ ବେଦବ୍ୟାସ ମଦନ ମନମୋହନ ସିଂ ନା କୌଟିଲ୍ୟ ମନମୋହନ ସିଂ ତ ନୁହେଁ ବେଦବ୍ୟାସ ବି ନୁହେଁ ମେଗାସ୍ତିନିସ୍ ବି ନୁହେଁ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ କୌଟିଲ୍ୟ କୌଟିଲ୍ୟକୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଚାଣକ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ନା ବିଷ୍ଣୁଗୁପ୍ତ ବୁଝିହେଲା ଆଚ୍ଛା କୌଟି ଚାଣକ୍ୟ କେଉଁ ଦର କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ନା କ'ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ବୁଝିହେଲା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ବୁକ୍ ଏଟା କାହା ଉପରେ ରିଲେଟେଡ଼୍ କ'ଣ ମନେ ରଖିଥାଅ ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଡ଼ିବ ପଲିଟିକ୍ସ ବୁଝିହେଲା ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ହୁ ଇଜ୍ ଦ ପରମାନେଣ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ପରମାନେଣ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ପରମାନେଣ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ବିଷୟରେ କିଛି କହୁଛି ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବ୍ଲିର ମିଟିଂ କେବେ ହେଇଥିଲା 9th December 1946 ହେଇଥିଲା ବୁଝିହେଲା ସେଦିନ ପ୍ରଥମ ଦିନ କି ମିଟିଂରେ ଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିନ ଦେଖ ଟେମ୍ପରାରୀ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସିହ୍ନା ବୁଝିହେଲା ଦେନ୍ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ 11th December 1946 ଆମର ପରମାନେଣ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କାହାକୁ କୁହାଗଲା ନା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ବୁଝିହେଲା ତାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଆଚ୍ଛା ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିଛ କହିଲ ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର ଆମକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଲ ମିନିଷ୍ଟର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲ ମିନିଷ୍ଟର ବୁଝିହେଲା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ମୌଲାନା ଅବୁଲ କଲାମ ଆଜାଦ ଇଏ କ'ଣ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଇଏ କ'ଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ଜେଲ ନେହେରୁ ଜେଲ ନେହେରୁ କ'ଣ ନା ଯିଏକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ପ୍ରିଫେସ୍ଟା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରିଫେସ୍ ଅଫ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ବୁଝିହେଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ହୁ ହାଜ୍ ଗିଭେନ୍ ଦ କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରିଫେସ୍ ଏଇଠି ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଭାରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରିଫେସ୍ କହିଲେ କ'ଣ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୁକ୍ ବୁକ୍ରୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଅଛି ସୂଚୀପତ୍ର ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ ଏମିତି ତା ବୁକ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖା ହେଇଥାଏ ଏଇ ମାନେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଯାହାକି ଏ ପ୍ରିଫେସ୍ରେ ଲେଖା ହୋଇଥାଏ ବୁଝିହେଲା ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରିଫେସ୍ ତ କୁହାଯାଏନି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପ୍ରିଏମ୍ବଲ୍ ବୁଝିହେଲା ଏ ପ୍ରିଏମ୍ବଲ୍ର ଆଇଡ଼ିଆଟା କିଏ ଦେଇଥିଲା ନା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ବୁଝିହେଲା କେବେ ଦେଲେ ଏ ପ୍ରିଏମ୍ବଲ୍ ଆଇଡ଼ିଆ କେବେ ଦେଇଥିଲେ ଦେଖ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲିର ଥାର୍ଡ ମିଟିଂ 13 December 1946 ଏଇ ଆଇଡ଼ିଆଟା କିଏ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଦେଇଥିଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ହୁଏନ୍ ୱି ଅବଜର୍ଭ ରେଡ଼କ୍ରସ୍ ଡେ 4 April ନା 8 May 10 July ନା 13 September ଏହାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ 8th May ଓକେ ବୁଝିହେଲା ଆକୁ ଦେଖ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ କଣ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇଜିଂ ସନ୍ କ'ଣ ନରୱେ ନା ଜାପାନ ନା ଇଣ୍ଡିଆ ନା ଜର୍ମାନୀ ତ ଏହାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଜାପାନ ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଥାଅ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଥଣ୍ଡର ବୋଲ୍ଟ ଭୁଟାନ ବୁଝିହେଲା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଥଣ୍ଡର ବୋଲ୍ଟ କ'ଣ ଭୁଟାନ ଆଚ୍ଛା ନରୱେର କ୍ୟାପିଟାଲ କ'ଣ କହିଲ ଅସ୍ଲୋ ଜାପାନର ଟୋକିଓ ଇଣ୍ଡିଆର ଦିଲ୍ଲୀ ଜର୍ମାନୀର ବର୍ଲିନ ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲେ ତା ସହିତ ଚାରିଟା କ୍ୟାପିଟାଲ ବି ପଢ଼ିଲେ ତା ସହିତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବି ପଢ଼ିଲେ
जदि भिडटे आप भल लगुच लाइक सेयार भी करूँ सांग सहित। ओणम इज द फेस्टिवल ऑफ व्हिच स्टेट, ओणम फेस्टिवलटा क्यों स्टेट मनाई जाए, आसाम रे ना ओडिशा रे ना आंध्र प्रदेश ना केरल रे, तेरे आंसर है जो कौन केरल। अच्छा आसाम रे तो मुझे काली फेस्टिवल बहुत गुडे कही दी तथा आउ थे रिविजन करदे अंबुवाची मेला कही अंबुवाची मेला कही कौन कही करम पूजा कौन कही कौन कही चाय महोत्सव चाय फेस्टिवल। ओके से भाया ओडिशार कौन हम दुर्गा पूजा रथ यात्रा से भाया आक अच्छी से भाया आंध्र प्रदेश कौन कही उगादी बुझेगा। देख ये तो बोलते लास्ट क्वेश्चन देखो जदि वीडियो भल लगी आप सहित शेयर करूँ। थैंक यू।